भारतीय टीम के ओपनिंग बल्लेबाज रह चुके लालचंद राजपूत ने टीम इंडिया के चीफ कोच पद के लिए अपने दावेदारी पेश की है। भारतीय टीम के मैनेजर रह चुके लालचंद ने आवेदन के आखिरी दिन चीफ कोच पद के लिए एप्लीकेशन फाइल किया। उनके रेस में शामिल होने से चीफ कोच के पद की रेस और रोमांचक हो गई है। लालचंद के अलावा भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर रॉबिन सिंह ने भी टीम इंडिया के चीफ कोच पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए आवेदन किया हुआ है। बीसीसीआई ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के बाद टीम इंडिया के नए कोच के लिए ऐड निकाला था। हाल ही में खत्म हुए वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था, जहां उसे न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल बोर्ड ने रवि शास्त्री की अध्यक्षता वाले कोचिंग स्टाफ का कार्यकाल वेस्टइंडीज दौरे को देखते हुए 45 दिन के लिए बढ़ा दिया था। मई 2019 से लालचंद राजपूत जिम्बाब्वे टीम को कोचिंग दे रहे थे। हालांकि राजनीति दखल अंदाजी की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने जिम्बाब्वे क्रिकेट को सस्पेंड कर दिया है। लालचंद राजपूत ने टीम इंडिया के चीफ कोच पद के लिए आवेदन करने की खबर की खुद पुष्टि की है। उन्हें विभिन्न स्तरों पर करीब 20 साल कोचिंग देने का अनुभव है। इसके अलावा वो जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान जैसे इंटरनेशनल टीमों के कोच भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जब टीम इंडिया ने साल 2007 में आईसीसी का पहला टी20 वर्ल्ड कप और फिर साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया में सीबी सीरीज जीती थी, तब राजपूत टीम के मैनेजर थे। ऐसे में उनके दावेदारी आने से कपिल देव की अगुवाई वाली कमेटी की राह और चुनौतीपूर्ण हो गई है।